हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंस पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में कैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ इसमें आने वाले टाइम में आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, और भी काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। यहाँ पे भाई बात करें कि जियो फाइनेंस में कैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा सपोर्ट है 309 का, वहीं से मार्केट ने रिकवरी तो दिखाई है, और जो हमारा इस स्टॉक में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था उसका भी ब्रेकआउट दिया है, और नेक्स्ट कैंडल भी पॉजिटिव बनी है। तो इसका मतलब है कि अब इस स्टॉक में अप ट्रेंड शुरू हो गया है। यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट आपको अपसाइड जाती हुई नज़र आ सकती है। तो अपसाइड जाते वक्त कौन कौन से रेजिस्टेंस यहाँ पे रहने वाले हैं वो हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो रेजिस्टेंस रहने वाला है 356 का यहाँ पे रहेगा। कुछ टाइम यहाँ पे मार्केट भाई सस्टेन करेगी, उसके बाद ही ब्रेकआउट यहाँ पे दे सकती है। उसके बाद सेकंड जो रहेगा वो रहेगा 376 का, यहाँ पे भी कई दिन तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर सकती है। उसके बाद जो हमारा मेन टारगेट रहेगा, अब इसमें हमने पोजिशन बनाई तो जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 390 का। यहाँ से अगर आप फ्रेश बाइंग लेते हो तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो अपसाइड अप ट्रेंड शुरू हो गया है। बाकी आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और रही बात, अब भाई ब्रेकआउट तो दिया ही है और यहाँ पे कंफर्म, और ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, लेकिन आज जो कैंडल बनी है उसमें कुछ कंफर्मेशन भी नहीं है, डोजी बनी हुई है। नेक्स्ट कैंडल भी पॉजिटिव बनी तो भाई 90% है कि अपसाइड ही जाएगा कल के दिन, अगर पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। वैसे आज भी आपको पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है 5.3 की बढ़त के साथ, 1.54% इसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो अब मैंने आपको बता दिया है, अब मान लो आपने पोजीशन बना ली है और शॉर्ट टर्म के लिए बनाई और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो 336 का। यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये 309 तक फिर से जाएगा, ठीक है। अगर अब की बार 309 तक आ गया तो अभी ब्रेकडाउन भी कर सकता है, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपने कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखी है आप कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज़ खुद के एनालाइज ज़रूर करें।